vuole? Apri c'hai la cosa? Ecco. आने से ले लेता हूँ रेडी डोली लेके जाना इनको मोड एंड एक्शन भाभी भाई आइए भाभी ज्यादा नजदीक मत आइएगा सर जो यहाँ पे आ रहे सर के पास बस ये होल्ड बैक होल्ड का ठीक है बात है वैसे नहीं थैंक यू आ जाओ
मुझे कभी कभी नहीं हमेशा हमेशा मुझे ये सोच के बहुत खुशी होती है कि मुझे कितना अच्छा पति मिला है। आपकी जितनी तारीफ करो ना कम। क्या बात है अक्षरा, आज आप इतनी तारीफ भी करेंगे, कहीं दो चार और अलमारियां सेट करवाने का इरादा तो नहीं है ना? आप समझ गए? आज एक पोस्ट को लेकर उसने हमसे झूठ बोला है, कल को कोई और बहुत बड़ी बात होगी, हमसे छुपाएगा, हमें नहीं बताएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो ऐसा नहीं करता। क्यों आशा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बल्कि ऐसा ही होता आ रहा है। पिछले कुछ टाइम से जिंदगी के बड़े बड़े फैसले वो खुद ही ले रहा है, हमसे ना तो शेयर कर रहा है ना हमें बता रहा है। मुझे चिंता हो रही है अक्षरा कि कहीं कोई फैसला उसका उल्टा ना पड़ जाए। ये टाइम उसका पढ़ाई का, उसके उसे करियर पर कॉन्सेंट्रेट करने का है। अगर कोई गलती होगी तो उसका असर उसकी पूरी जिंदगी पे पड़ेगा। मुझे पता है आपको उसकी चिंता है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। मुझे भी बच्चों की चिंता है, दुगो की टेंशन अलग, और वहाँ नायरा नायरा भी बहुत परेशान है। नैतिक बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, उसे पूछने की कोशिश करो तो वो कुछ नहीं बताती है। पता नहीं क्या हो गया उसे, कितनी बार कोशिश की, मुझे लगता है स्कूल में नहीं एडजस्ट हो पा रही है। पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। मैम थोड़ा राइट बस मैम एक साथ ही है। आ जाओ ट्रांसफर तो कर ही लेते हो आप लोग। साथ में तो लेते ही हो तुम लोग बैठ के? नहीं ट्रांसफर देना ना, फिर उसके लिए तो अभी चेंज करना है, जाना है फटाफट। सेम ही क्वेश्चन होंगे, कहाँ अलग होगा, आंसर भी सेम ही है। देने के लिए थोड़े बोल नीचे रखोगे यार, आज तक सबसे बड़ा है यार। ये चीज सोचो आप। मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ क्योंकि नक्श ने आज हमसे झूठ बोला, तो इसलिए काफ़ी अपसेट था। उसे डांटा भी मैंने, और अभी बस कमरे में बैठा हुआ था, पूरे दिन के बाद घर आया हूँ। तो अक्षरा चाय देती हैं और बात करती हैं, कुछ कहती नहीं है, नक्श के बारे में मेंशन नहीं करती हैं। तो काफ़ी एक लाइट मूड में ही हमने मतलब सीन किया, और उसके बाद थोड़ा सा और लाइट हो गया। लेकिन फिर बात वही जब मेंशन हुई तो अक्षरा को कहा कि मतलब मैं काफ़ी नाखुश हूँ,
कि इस तरह से अगर उसने हमसे झूठ बोला है तो कल को ऐसे ना हो कि ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा फैसला वो गलत ले ले. एंड दोनों बच्चे थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं, अभी प्रॉब्लम हो रही है, सो ये सब चीज़ें चल रही हैं. क्या झूठ बोला? झूठ ये था कि उसने कहा, मैंने कहा था उसे कि हर कोर्स में अप्लाई कर दो और उसने एक ही कोर्स में अप्लाई किया, तो ये झूठ था. अभी तो यही है कि सेटलिंग डाउन हो रही है सब जगह. मेरे लिए ऑफिस में सेटलिंग डाउन हो रही है, यहाँ पे बच्चे सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, अक्षरा घर में सेटल होने की कोशिश कर रही हैं. तो काफ़ी साल हो गए अभी गए हुए और वापस आके सबके लिए ये जोन अपना क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. और इससे बाकियों को कितनी परेशानी हो रही है, करिश्मा नमन को थोड़ी परेशानी हो रही है, तो ये सारे मुद्दे आगे निकलेंगे. जहाँ देखें कि अभी कुछ ही दिन हुआ शादी को होकर के खुशियाँ घर में थी, लेकिन अभी अभी देखा जा रहा है कि थोड़ा डिस्टर्बेंस लग रहा है घर में आप तो नमन के बीच में, इस चीज़ को आप कैसे मेरे नमन के बीच में इतना कोई मेजर चीज़ अभी कुछ हुआ नहीं है, बट कहीं ना कहीं करिश्मा काफ़ी अफेक्टेड है, तो वो नमन को कहती हैं चीज़ें और नमन के भी दिमाग में आने लगा है कि शायद उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, अब उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, हमें ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, फर्स्ट प्रेफरेंस, तो उनको ये बात थोड़ी सी खटकने लगी. अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे सर? फैंस को क्या कहेंगे, उन्हें जितना कहें कम है, इतने साल हो चुके हैं वो हमें देखते आ रहे हैं और जिस तरह उन्होंने प्यार आज तक दिया आगे भी देते रहे. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक्स. थैंक यू.